इस रात के 2:40 हो रहे हैं अभी अभी। फ्रांस ने बहुत शानदार तरीके से मोरक्को को हराया और ये हमारे साथ सभी अहमद बैठे हुए हैं यहाँ पे। सभी तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं कोची केरला से आ रहा हूँ। और तुम कोची केरला क्यों थे? अच्छा, मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने गया था एक्सेस टू मेडिसिन एंड पेटेंट्स एंड ट्रिप्स के ऊपर। अब जो लोग लॉ नहीं पढ़ते क्या तुम उनको समझा सकते हो क्या? रात के 2:40 हो रहे हैं, हम ये वीडियो नहीं बना रहे होते अगर मुझे सुबह ट्रेन नहीं होती। ठीक है, तो ये जो सब कुछ है ये सभी वजह से कि मुझे सुबह 6 बजे जाना है अलीगढ़, और सुबह मुझे इसी पे पेपर देना है, एक्सेस टू मेडिसिन ट्रिप्स और पेटेंट्स के पेपर। तो ठीक है ना भाई, तो 6 दिन से प्रिपेयर करा हुआ तो है। पेपर प्रिपेयर तो नहीं किया लेकिन ठीक है। सो बेसिकली जो है हम एक्सेस टू मेडिसिन ट्रिप्स और पेटेंट्स, जो ये पूरा वर्कशॉप था ये इस बेसिस पे था कि पेटेंट जो रेजीम है, किसी मेडिसिन को हम पेटेंट करते हैं तो उसके वजह से बहुत सारे ऐसे आउटकम्स होते हैं जिसकी वजह से मेडिसिन की एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कि प्राइस रेगुलेशंस, मोनोपोली हो जाती है उस कंपनी की। ठीक है, तो जो ये वर्कशॉप था ये उस पर बात पे था कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या लॉज हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं और कौन कौन से लॉज हैं जो इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बताते हुए बस इससे बता सकता हूँ कि 2-3 चीज़ें हैं जो टेक्निकल है, मैं भी बता देता हूँ। तो एक चीज़ होती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। अब ठीक है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो है ट्रिप्स पर, ट्रिप्स समझ लीजिए, अब ट्रिप्स क्या है, ट्रिप्स जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक गाइडलाइन लॉ समझ लीजिए जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, WTO ने दिया है इन 1995, ठीक है। एंड उसके बहुत सारे सिग्नेटरीज है, आई थिंक 200+ सिग्नेटरीज, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। तो एवरी कंट्री हैज़ टू इम्प्लीमेंट द ट्रिप्स एग्रीमेंट, एंड इट ट्रिप्स एग्रीमेंट हैज़ टू रिफ्लेक्ट इन देयर ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन। तो हर एक कंट्री ने जो उसको धीरे धीरे जो है उसको इम्प्लीमेंट किया है, और इट इज़ द बेंच मार्क रेगुलेशन अबाउट रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल राइट्स, कवर्स एवरीथिंग, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स एंड एवरीथिंग एल्स। सो बेसिकली कंपल्सरी लाइसेंसिंग जो बता रहा था मैं एक एस्पेक्ट टच कर रहा हूँ क्योंकि हमें इतनी लंबी वीडियो बनानी नहीं है और हमें बहुत छोटी सी बात बतानी है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग वो होता है कि जिसके पास जब पेटेंट होल्डर जो होता है, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, उससे जो है पेटेंट का राइट लिया जा सकता है और वो किसी को भी दिया जा सकता है। तो इंडियन पेटेंट एक्ट में सेक्शन 84 में और सेक्शन 92 में ये लेट डाउन है। 84, 92 अलग अलग सेक्शंस हैं। 84 में 3 क्राइटेरियाज दिए गए हैं उसमें कि क्या क्या हो सकता है, कब कब हो सकता है। तो 84 में जो 3 क्राइटेरिया है उसमें एक ये है कि एक्सॉर्बिटेंट प्राइस, अगर उसकी ड्रग की प्राइस जो है बहुत बहुत ज्यादा। ज़्यादा है तो यू कैन क्लेम फॉर अ कंपल्सरी लाइसेंस। ठीक है, ये क्लेम कौन कर सकता है? एनी इंडिविजुअल और एनी अदर फार्मास्यूटिकल कंपनी, कोई भी कर सकता है इसको, एनी इंडिविजुअल जो आई एम आई रिलीफ पार्टी, मैं इसके एग्जाम्पल दूंगा अभी आपको। सेकेंड ये है कि अगर सेकेंड जो क्राइटेरिया है उसका वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि वर्किंग इन इंडिया। सो इसके 2 इंटरप्रिटेशन है। इसके इंटरप्रिटेशन ये है कि क्या मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया इसका मतलब है या कंप्लीटली इंपोर्टिंग इन इंडिया मतलब है इसका। तो ये केस टू केस बेसिस पे जज किया जाता है कि कोई अगर मेडिसिन है क्या उसको इंडिया मैन्युफैक्चर होना जरूरी है, क्या कैपेसिटी है कि जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनी बाहर की होती है। एक नोवार्टिस एजी कंपनी है, वो स्विस कंपनी है। ठीक है, वो बाहर से मैन्युफैक्चर करा के आती है, यहाँ इंडिया में ड्रग बेचती है। तो ये क्राइटेरिया तब सेट होता है कि अगर कोई ड्रग ऐसा हो सकता है जो इंडिया मैन्युफैक्चर हो रहा हो लेकिन वो तब भी बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है, तो वह क्यों हो रहा है? अब वो इम्पोर्ट नहीं होना चाहिए, वो ओ, जो है यहीं पर जो ताकि है और उससे कॉस्ट भी फिर कम आ कॉस्ट कम हो जाएगी। जाएगी। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया है इज़ द नीड, जो नीड है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, जो कंपनी प्रोड्यूस कर जिसका पेटेंट है वो उस नीड को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है तो फिर हम कंपल्सरी लाइसेंस दे सकते हैं। अब एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, एक ड्रग का नाम है रिबोसिक्लिब। रिबोसिक्लिब इज अ ड्रग विच ट्रीट्स मेटास्टेसिस ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, सो व्हाट इज डज, अब केस इसलिए इसका बता रहा हूँ मैं क्योंकि दिस इज करंटली एक्टिव इन द केरला हाई कोर्ट कंपल्सरी लाइसेंसिंग के लिए। ठीक है, नाइस। तो एक इंडिविजुअल, एक औरत थी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर। शी फाइल्ड ए पिटीशन इन 2022 ओनली, समवेयर बिटवीन अप्रैल और समथिंग लाइक दैट, जब उन्होंने कहा कि भाई कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे दीजिए, दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन एंड द कॉस्ट इज टू हाई। टू पुट थिंग्स इन द पर्सपेक्टिव, द कॉस्ट इज 62,000 पर मंथ। ओके, बाप रे। आई टेल यू द थिंग ब्रेकआउट ऐसा है कि आप 200 mg का एक टैबलेट होता है पर डे, आपको 600 mg लेना होता है। ठीक है, इसको आपको 3 हफ्ते तक लेना है, 21 days तक। तो कॉस्ट कम्स आउट टू बी 976 टैबलेट्स पर टैबलेट पर 200 mg। सो द टोटल कॉस्ट फॉर 1 मंथ कम्स आउट टू बी 61,000 समथिंग। ठीक है,
सो दिस ऑब्वियसली एट द आउटसेट दिस इज अ वेरी एक्सोबियन प्राइस, जो हमें सुनकर लग रहा हो कि भाई बहुत ज्यादा प्राइस तो है ही है, बट देयर इज ऑल्सो ए स्टडी विच टुक इन टू अकाउंट इट फ्यू WHO क्राइटेरियाज एंड एवरीथिंग टू प्रूव दैट दिस द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ दिस ड्रग इज थ्री टाइम्स हायर देन वॉट इट शुड हैव बीन. द प्राइस इज थ्री टाइम्स हायर देन वॉट इट शुड हैव बीन. ठीक है, सो दिस इज अ प्रूवन स्टडी. सो इसके मतलब एक क्राइटेरिया हमने फुलफिल कर दिया कि प्राइस बहुत एक्सोबियंट है इसमें. ठीक है, दूसरी बात यह है कि कंपनी कौन मैन्युफैक्चर करती है, नोवार्टिस एजी उसको करती है मैन्युफैक्चर. हाँ, स्विस कंपनी इंपोर्ट करती है इस पूरी दवाई को. ठीक है, तो अब नोवार्टिस एजी का एक क्या कहते हैं काउंटर पार्टी इंडिया में, नहीं काउंटर पार्टी नहीं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में 2020 में बंद हो गई थी और उन्होंने फिर दूसरा नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला है महाराष्ट्र, दोनों महाराष्ट्र में थे पहले. अच्छा. एक थी बंद हो गई, फिर अब उन्होंने नया खोला है जो भी महाराष्ट्र में. तो इसका मतलब यह है कि नोवार्टिस इज कम्प्लीटली फुल्ली केपेबल ऑफ इम्पोर्ट टू मैन्युफैक्चरिंग इट इन इंडिया, बट इट इज नॉट. ओके, ठीक है, तो हमने 200 कैटेगरी इसको सेटिस्फाई कर दिया. अब नाउ अब जब इंडियन पेटेंट के बारे में पढ़ेंगे तो विच एवर ड्रग इज लाइक पेटेंटेड, तो हर एक कंपनी जो उसको पेटेंट कर चुकी है, जो उसको मैन्युफैक्चर कर रही है, इसका मार्केटिंग राइट्स भी है उसको करने के लिए, तो दे हैव टू डिक्लेयर अंडर फॉर्म 27. डिक्लेरेशन में आपको देना पड़ेगा कितने यूनिट्स आपने सोल्ड सेल किए हैं, कितना वैल्यू में सेल किया है, या इंपोर्ट किया है, क्या एक्सपोर्ट किया है, सब कुछ डिटेल देनी पड़ती है. तो नोवार्टिस एजी ने डिक्लेरेशन दिया 2018 और 2019 में, इसका डेटा हमारे पास है अभी. सो आई कैन नॉट 2019 का बता देता हूँ मैं आपको. 2019 में 24,000 यूनिट्स जो है उन्होंने इम्पोर्ट की. 24,000 यूनिट्स, 1 यूनिट इज 21 टैबलेट्स, इससे समझिए आप. एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वर नीडिंग इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज 1,05,000. सो 24,000 यूनिट मतलब एक बंदे को 3 यूनिट चाहिए होता, तो समवेयर अराउंड 8,500 लोग जो है उनको वो दवाई मिल रही थी. और बाकी 97,000 लोगों को वो दवाई नहीं मिल रही थी. That means that adequate supply जो है Novartis नहीं कर पाया. तो इन दिस क्राइटेरिया पे हम ये जो है कर सकते हैं. अब एक और सेक्शन आता है 92 सेक्शन जो आता है, वो तब आता है, वो तब इन्वोक हो सकता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चाहे कि जो है या तो नेशनल इमरजेंसी है या कोई अर्जेंसी है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर नॉन मार्केटेबल प्रॉफिट के लिए, मतलब मार्केटेबल प्रॉफिट के लिए नहीं, फॉर द पब्लिक गुड के लिए जो है वो किसी का भी पेटेंट राइट जो है ले सकती है और इसको किसी को भी दे सकती है फॉर मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, लोकल यूनिट्स को. तो यार जैसे ये सिप्ला की कंपनी हो गई या फिर ये सारे जैसे हम लोग अरे पैरासिटामोल जैसे हम लोग खाते हैं, तो अलग अलग कंपनीज अलग अलग नाम से निकालती हैं, तो वो भी क्या पेटेंट के अंदर ही आएगा या फिर इज इट लाइक समथिंग बहुत जेनेरिक सी जो मेडिसिन होती है, कोई भी बना सकता है. यहां पर एक दिस इज अ वेरी डिफरेंट डिबेट एंड वी विल मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट. अच्छा, ठीक है. सो एवरी मेडिसिन इज लाइक मतलब सबका एक जेनेरिक ब्रांड होता है, जैसे कि सिप्ला जो है पैरासिटामोल, बहुत सारे. अब जैसे कि डोलो 650 ने किया था, डोलो 650 इज व्हाट, इट इज बेसिकली पैरासिटामोल. But you know this is this comes to another aspect of access to medicines. There's a nexus between doctors and pharmaceutical companies. हाँ, ये तो मैं जानता हूँ भाई. ठीक है, अब डॉलो 650 जो है is not the only paracetamol. It is a branded paracetamol. ठीक है, it is a branded in that way. So it sells higher. It has sold the highest number of tablets in during the COVID period. भाई मैं तुम्हें एक बहुत फनी बात बताऊं, मैं पूरे खानदान मेरा डॉक्टरों का है, मैंने कभी डोलो का नाम नहीं सुना था. हाँ, तब वो मीम नहीं चला था. वो मीम चला था ना, बहुत कम लोगों ने कोविड से पहले डोलो का नाम सुना था. बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं सुना. मैं बचपन से मैं नाइस का नाम सुनता आया हूं और मैंने अलीगढ़ में मैंने पैराडोल का नाम सुना था. पैराडोल और ऑल ऑफ दीस आर बेसिकली पैरासिटामोल्स ही होते हैं सारे ये सब. ठीक है, तो हाँ, तो हम सेक्शन 92 पे थे. तो गवर्नमेंट इमरजेंसी आ रही है, ये तो कंपलसरी लाइसेंसिंग होता. अब फार्मा कंपनीज क्या करती है भाई, फार्मा कंपनीज करती है क्या करती है भाई, वो सॉल्ट को पेटेंट कर लेती है. व्हाट इज दिस प्रोसेस, दिस प्रोसेस बेसिकली बहुत इन सिंपल टर्म लेमन लैंग्वेज, इनको कुछ मतलब हम केमिस्ट्री मिस्ट्री में नहीं घुसेंगे, वेरी स्लाइट मॉडिफिकेशन इन एनी ड्रग वो उसको पेटेंट कर लेती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग सेलिंग ड्रग इन द यूएस, आई डोंट नो द नेम, हैज 230 पेटेंट्स टू इट्स नेम. 230 पेटेंट्स. ठीक है, अब ट्रिप्स के एग्रीमेंट के अंदर एनी पेटेंट कैन बी ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ ओनली 20 इयर्स. अच्छा, यानी अगर तुमने पेटेंट करा तो 20 साल तक लगा सकते. ओके, ठीक है, इसके लिए अलग अलग मतलब रास्ते हैं, इसके भी अलग अलग गैप्स हैं, लेकिन 20 इयर्स के लिए कर सकते हैं. सो नाउ व्हेन यू हैव 230 पेटेंट्स, अपने हर दो दो साल पे करना, तो यू व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्सटेंडिंग, दिस इज कॉल्ड एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट. दिस इज एंटायर थिंग को एवरग्रीनिंग. तो आप क्या कर रहे हैं कि आप यू आर चेंजिंग इट, you're keeping that the right to patent and you're going to marketing it in different forms. अब कुछ अलग चेंज नहीं कर रहा हूँ,
ठीक है, यू नॉट मेकिंग वेरी गुड चेंजेस इन दैट, बस आप सॉल्ट चेंज कर लिया, आपने कुछ उसमें उसके प्रोसेस मेकिंग में कुछ बहुत स्लाइट चेंजेस किए, विच नॉट चेंज द एफिकेसी ऑफ द ड्रग, और आपने दूसरा पेटेंट ले लिया, आप दूसरा पेटेंट ले लिया, ठीक है। ओके, अब इसमें क्या होता है कि इसमें कंट्री टू कंट्री रेगुलेशन जो है डिफर करती है। इंडिया इज अ वेरी गुड कंट्री इस मामले में कि देयर इज सेक्शन 3D इन द इंडियन पेटेंट एक्ट विच सेज कि अगर कोई भी मॉडिफिकेशन हुए और वो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल एफिकेसी इंक्रीज नहीं करता है तो इट कैन नॉट बी पेटेंटेड। इसमें नोवार्टिस ने केस हारा है 2012-13 के अराउंड, इट इज अ लैंडमार्क केस इन इंडिया, नोवार्टिस एजी एंड यूनियन ऑफ इंडिया। ग्लिविच होता है, ग्लिविच GLEVEC, इट्स अ ड्रग विच ट्रीट्स ल्यूकेमिया, AML, ल्यूकेमिया ट्रीट करता है। तो उन्होंने क्या किया कि 1997 उन्होंने पेटेंट फाइल किया, तब इंडिया में पेटेंट फार्मास्यूटिकल प्रोटोकॉल का पेटेंट रिजीम नहीं था बहुत दिन तक, वो पड़ा रहा। 2005 में जो है उन्हें जब पेटेंट मिल गया था, ऐसा कुछ था, कुछ सॉल्ट है एमेटेनिब समथिंग लाइक दैट विच इज वेरी क्रूशियल इन दैट। तो उन्होंने ये पेटेंट फाइल किया कि हम जो है इस मॉडिफिकेशन को पेटेंट करना चाहते हैं। ओके, तो पहले तो पेटेंट ऑफिस ने मना कर दिया, फिर हाई कोर्ट ने मना कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो उन्होंने ये भी चैलेंज किया था सेक्शन 3D जो है, जो वो हमने लॉ बनाया है, वो भी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर यही कहा था कि भाई देखो एवर ग्रीनिंग हो सकती है, अगर तुम 3D हमने नहीं हटा दिया तो एवर ग्रीनिंग हो जाएगी, फिर तुम ऐसे करते रहोगे जिंदगी भर करते रहोगे। भाई ने बोला स्विस भाई हो जाओ। हाँ, तो मतलब लेकिन फिर वही बात है, हिंदुस्तान है भाई, तो इंप्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कत है 3D को लेकर। मतलब पेटेंट ऑफिस ने जब भी बहुत डेटा है इस पे, पूरा पेपर 2020 का, फिरोज अली समवन ही इज द ऑथर ऑफ ए पेपर हु रोट दैट 3D जो है, सेक्शन 3D जिस तरह से इस्तेमाल हो सकता था उस तरह से पेटेंट ऑफिस को इस्तेमाल नहीं कर रही, दैट दे आर नॉट यूजिंग इट इन द वे दैट, सो द एवरग्रीनिंग इज स्टिल हैपनिंग। चेंज दैट हैज बीन ब्रॉट अबाउट बाय डेवलप्ड कंट्रीज सो दैट दे कैन play around with the TRIPS laws. Of course. ठीक है. As usual. ठीक है. As usual. अब क्या कैसे करते हैं ये? अब जैसे कि TRIPS Plus में, मतलब broad में बताऊँ, TRIPS clause में क्या क्या आते हैं? TRIPS Plus में आते हैं कि patent period जो है 20 years से ज़्यादा हो, ठीक है? और या फिर compulsory licensing grant करने के कुछ कुछ restrictions हो. ठीक है. ठीक है. और एक होता है there's something called data protection in this. I'm forgetting the exact term. Something data related. So what happens is when a first company patents its medicine, so it has to give out all the processes involved and everything. This has to be in the public domain. Okay. Now, TRIPS Plus के अंदर वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि डेटा प्रोटेक्शन इस तरह से होगा कि जो पहला प्रोसेस, जो पहला पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो रजिस्टर होगा ओरिजिनल पेटेंट के साथ, वो रिवील नहीं होगा मार्केट में. Nice. अब इससे दिक्कत क्या है, अगर मान लो किसी का पेटेंट हट भी गया, तो अगर मैं मान लो कि जेनरिक मेडिसिन का मैं डेवलपर हूं, मैं बहुत लो कॉस्ट में बना रहा हूं, पहले मैं क्या करता, पहले मेरे को प्रोसेस बताता और जो पेटेंट ऑफिस था वो उसको ओरिजिनल प्रोसेस के साथ कंपेयर कर लेता कि हाँ भाई आपका कंपैरिजन सही है, आप बना सकते हैं इसको. नाउ आई हैव टू गो थ्रू ऑल द स्टेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन माय ओन, इनएविडेंटली मीनिंग दैट मुझे क्लिनिकल ट्रायल इज नॉट ए स्मॉल थिंग, 10-15 साल जो भी टाइम लग रहा हूँ, ठीक है, अगर वो डेटा रिवील करने के लिए प्रोविजन होते, ठीक, तो फिर क्या होता, मैंने अपना प्रोसेस दिया, वो कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग एंड जैसे कि हाँ भाई यू स्टैंड ऑन दैट पार्ट सेम पॉइंट, सो वी गोइंग टू ग्रांट यू द राइट टू मार्केट और पेटेंट दिस. बट अब ये नहीं हो सकता. अब TRIPS Plus हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड इज देर आर FTAs, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन कंट्रीज, हम UK एंड इंडिया का अभी ये बात चल रही है. सो वट कंट्रीज विच डेवलप कंट्रीज दे इम्पोज दीज कंडीशन ऑन लीज डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज इन एक्सचेंज ऑफ ट्रेड. अब कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पढ़ेंगे उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जरूर हो, पेटेंट राइट्स के बारे में जरूर होगा. इंडिया इज करंटली नेगोशिएटिंग 2 FTAs आई गेस विद I think I'm saying right, free trade agreement here. I don't remember. FTA is something like that. So India is negotiating this with UK and the European Union. Dono ne ye clause laga rakha. They have TRIPS Plus lagayenge. Emphasize on TRIPS Plus. Jo cheeze India nahi kar rahi hai, wo us cheez ko karna cha rahe hain. Jaise ki 3D ko hatana cha rahe hain wo. Indirectly wo apne statement mein keh rahe hain ki aisa jo hai aapko allow karna padega ki agar aisa koi salt ke liye agar hamare yahan ki koi company hogi to. Ha ha ha.
अगर यानी उनके आगे कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हाँ हमारे हाँ यहाँ यार के ट्रक बनाना चाहती है तो तो उस पर आप वो ट्रीटी लागू नहीं होगी। एग्जैक्टली। सो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज समथिंग जो डेवलप कंट्रीज यूज कर सकती है बहुत आराम ओवर पावरिंग द डेवलपिंग कंट्रीज। चलो इंडिया तो खैर ठीक ठाक सुपर पावर है, तो भाई हम तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाले हैं भाई, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हम अपने पावर, अब तो ऋषि सुनाक भाई बन गया ना, अब तो अपना भाई बन गया है वहां पर, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हम नेगोशिएट कर लेंगे। मतलब इंडिया ने फाइनल नहीं किया उस टैक्स को, और इंडिया फाइनल करेगी भी नहीं मोस्ट प्रोबेबली। सो इंडिया यू ये चाहते हैं कि भाई हम जो है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, जो जिस तरह से कंपल्सरी लाइसेंसिंग भी इंडिया की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही बार मिला है, क्या बात कर रहे हो, सिर्फ एक बार हुआ सिर्फ है? एक बार 2013 में हुआ है। दैट वाज फॉर ए लिवर एंड लंग कैंसर ड्रग, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। इट्स इट ओनली हैपेंड वंस सिंस दिस हैज कम। और जो अभी ये बीच में पूरी वैक्सीन आई थी इन सबको कुछ नहीं, 2020 में, ट्वेंटी नो ट्वेंटी में नो नथिंग। वोंट यू से कि वो देयर वाज समथिंग लाइक थाईलैंड वाज वेरी, थाईलैंड या थाईलैंड थाईलैंड वाज वेरी वेरी प्रोएक्टिव इन इन इश्यूइंग कंपल्सरी लाइसेंसेस। ठीक है, यूएस ने सैंक्शन लगा दी। और आई गेस एज फार एज आई रिमेम्बर फाइजर ने कहा कि हम आपके यहाँ बिजनेस नहीं करेंगे, दे क्लोज ये डाउन द मैं बिजनेसेस इतना हियर। जब लोगों को बोलता हूँ ना कभी कभी कि दे हैव नो आइडिया कि उनकी पर्सनल इकोनॉमी ग्लोबल अफेयर से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होती है एंड ग्लोबल सेंस ऑफ प्रॉफिट मेकिंग से कितना ज़्यादा बिल्कुल इम्पैक्ट बिल्कुल होती है। एग्री अब एग्री वो ऑन दैट। चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जितना पट्टी पढ़ाती रहे कि भाई इक्विटी फॉर ऑल और डेवलपिंग कंट्रीज को मिलना चाहिए, सच बात यही है कि थाईलैंड ने कोशिश करी वो करने की, कंपल्सरी लाइसेंसिंग करने की, और एट द एंड किसी और बहाने से उनके ऊपर कुछ ना कुछ सैंक्शन एंड लगा ऑल दिया। दिस मल्टीनेशनल बिग ह्यूज कंपनीज, यू नो यू थिंक अबाउट मॉडर्ना, थिंक अबाउट फाइजर, यू नो इनकी हिस्ट्री बहुत खराब है। हमेशा से हाँ ठीक है, विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। यूरोप आई गेस, नॉट यूरोप सॉरी, अफ्रीका, नाइजीरिया, नाइजीरिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई आई डोंट रिकॉल, नाइजीरिया समथिंग, अ डिजीज इबोला, राइट, इबोला इबोला। ठीक है, सो ड्रग वॉज इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, एज फार एज आई नो इट्स इबोला और समवन एल्स, बट इट इज समथिंग दैट वॉज अफेक्टिंग चिल्ड्रेन। ठीक है, ओके बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, आई थिंक इट्स नॉट इबोला, इट्स समथिंग एल्स, वट एवर इट इज। सो फाइजर है डेवलप्ड अ ड्रग। ओके, नाउ व्हाट दे डिड वॉज दे केम टू नाइजीरिया एंड दे स्टार्टेड देयर गिविंग आउट टू मेडिसिन चिल्ड्रेन। ठीक है ठीक है, द प्रॉब्लम हियर इज दे वॉज नो एथिकल क्लियरेंसेस, दे वर नो क्लिनिकल ट्रायल्स, no human trials. Those kids in Nigeria were the first people who are being tried on this on. Okay? So basically क्या था, हम बहुत ही basics पे जाते हैं ethics के, तो informed consent की बात आती है। Nigeria is a place we do not expect any people to know English or something to understand until unless it has been. Informed consent is not just letting them to ask a form and getting them a signature. Informed consent is telling them what could be the consequences. So that particular drug has a consequence that your knee joints are going to be forever weakened. यार इस पर मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी है हाँ, शायद। ये मतलब एक डॉक्यूमेंट्री पे ही था। सो नी जॉइंट्स उन्हें परमानेंटली वी वीकेंड, और ये बात पेरेंट्स को नहीं बताई गई थी। सो द बेसिक एथिक्स दैट कम्स हियर इज, नो मैटर हाउ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन इज, यू कैन नॉट यूज अ ड्रग विदाउट विदाउट द मेडिक नेसेसरी एथिकल क्लियरेंसेस एंड विदाउट द इन्फॉर्म कंसेंट, यू कैन नॉट डू दैट बेसिकली। ठीक है, मेनी चिल्ड्रन डाइड, देर वॉज ऑन द डॉक्यूमेंट्री देर वॉज सीन। सो उसमें एक बच्चे के पेरेंट्स को मैं इंटरव्यू करते हैं, द पेरेंट्स वर बीइंग इंटरव्यूड एंड द फादर न्यू इंग्लिश। ओके, सो लाइक फाइजर को इजिली से कि हाँ हमने कोशिश की थी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, वो इंग्लिश नहीं समझते शायद, तो बात गैप रह गया होगा। द फादर एक्सप्लिसिटली टोल्ड दैट देर वॉज नो कंसेंट फॉर्म, देर वॉज नो इन्फॉर्मेशन, बट इट वॉज बिकॉज इट वॉज सिचुएशन जहां पर हमें अपने बच्चे को बचाना था। सो वी वेंट देयर एंड वी वर नॉट टोल्ड अबाउट एनी थिंग, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एंड हिज चाइल्ड वॉज कोइंसिडेंटली द फर्स्ट पर्सन टू बी इंजेक्टेड विद इट। ओ ओके, बाप रे ही गॉट सेव्ड, ही गॉट सेव्ड, ओके बट ही कैन नो लॉन्गर वर्क प्रॉपरली। सो दे आर साइड इफेक्ट्स। भाई बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे अमेरिका के अंदर भी अगर तुम एथिकल क्लियरेंसेस का राइज देखोगे तो वो टस्केगी सिफिलिस केस स्टडी से निकला है, सेग्रीगेशन वाले जो हुआ था, अगर किसी को देखने तो एक बार गूगल कर लेना। लेकिन वो टस्केगी सिफिलिस स्टडी कब हुई थी भाई, वो लैंडमार्क माना जाता है एक तरीके से, क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन के एंड की तरफ, मतलब कि वहां से मतलब रेसिज्म के अगेंस्ट बहुत ज्यादा मूवमेंट मूवमेंट चला था। अब आप ये सोचिए कि वो सारी चीजें अब भी हो रही हैं, बस मान लो ठीक है अमेरिकन ब्लैक्स में नहीं हो रही तो अफ्रीकन ब्लैक्स पे हो रही हो है, रही, एंड राइट? अफ्रीका इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेरिमेंटेड रीजन व्हेन इट कम्स टू मेडिसिन एंड एवरीथिंग, ट्रू एवरी भाई ट्रू। मल्टीनेशनल एवरीथिंग, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ डिजीज। सी
अब व्हाट इज शुड बी द प्राइमरी, आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अफ्रीका इज होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स और व्हाटएवर यू से, एंड दे आर द लास्ट वन टू गेट द ड्रग्स हमेशा. द नंबर ऑफ वैक्सीन्स दैट अफ्रीका हैज गॉट द वैक्सीन डोजेस इज द लोएस्ट इन कंपेयरिंग ऑल द कंटिनेंट्स. अफ्रीका हैज द लोएस्ट एंड इट्स नॉट इवन क्लोजर. It's not even close. If there's an 80% doses in US or in India, it's like somewhere around 40 to 50% doses in Africa, because of inaccessibility, because of higher pricing, and because of all these monopolies and everything else. So access to medicines is a very very huge topic. It's not just like a 20 minutes, yeah, 20% 20 minutes of the lecture. Just try to say जो भी मुझे अभी याद आ रहा था, जो मैंने सीखा था. भाई तू तू फिगर मत कर, तू अपने कल के एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार है, मुझे पूरा यकीन है इस बात का. फिगर मत कर. Take care, guys.